आजकल के टाइम पे हर कोई अपने देश की सेवा करना चाहता है कि हम अपने देश को एक अच्छा देश बनाएं और उसकी अच्छे से अच्छे सेवा करें। ज्यादातर यंग जनरेशन आज की वो चाहते हैं कि हम एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं और इंडियन आर्मी बने ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या एग्जाम देना होता है और इसकी क्या प्रिपरेशन करनी होती है, ऐसा आज हम जानने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीटॉक इंडिया। दोस्तों मेरा नाम है प्रीति। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है एनडीए, क्या होती है इसकी क्वालिफिकेशन, क्या होती है इसकी एज लिमिट और क्या होता है इसका एग्जाम पैटर्न, कैसे होता है सिलेक्शन प्रोसेस और जो इसका फिजिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसी कुछ नई बातें। पहला पॉइंट है व्हाट इज एनडीए, एनडीए क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और साल में दो बार कंडक्ट करवाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस एग्जाम को दो बार साल में दिया जा सकता है। और इस एग्जाम्स को स्टूडेंट्स क्यों देते हैं, क्या बनने के लिए देते हैं? तो इस एग्जाम्स को स्टूडेंट्स इसलिए देते हैं ताकि वो इंडियन आर्मी बन सके, नेवी में जा सके या फिर एयरफोर्स में जाने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। एनडीए यंग कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देता है जो अपने करियर को फोर्स में चूज करते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग में कैंडिडेट को फाइट करने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें फिट किया जाता है। इस पोस्ट को क्लियर करने के लिए एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। एनडीए के एग्जाम के लिए आपके मैथ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आपके मैथ स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अच्छे से एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। और ये बहुत ही रेपुटेटिव एग्जाम होता है, वर्ल्ड में इसको बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है। एनडीए पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन की। एनडीए के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? ज्यादा नहीं, बस आप 12th पास आउट होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम के साथ, और उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे से क्लियर होने चाहिए और 12th पास आपको 60% के साथ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात थी कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, वो मैरिड नहीं होना चाहिए। और अगर आप अभी 12th क्लास में हैं फिर भी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट की। एनडीए की पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 16.5 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 16.5 साल, और मैक्सिमम 19 साल होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली पूरा फिट होना चाहिए जब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कई तरह के फिजिकल टेस्ट होते हैं। एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट के हाइट के अकॉर्डिंग वेट को नापा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो एनडीए का एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का आता है और इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और सेकंड सब्जेक्ट है जनरल एबिलिटी। तो फर्स्ट मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम को आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में चूज करके दे सकते हैं अपनी मर्जी से। दोनों सब्जेक्ट में आपको एग्जाम की टाइमिंग मिलती है 2.5 घंटे। आप 2.5 घंटे में इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। 1/3 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नॉर्मली जो हम एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह, उसमें 0.5 मार्क्स होते हैं, लेकिन एनडीए के एग्जाम में 1/3 मार्क्स की होती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और एकदम आराम से कीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा है इस एग्जाम में। एनडीए एग्जाम में टोटल 270 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 120 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होते हैं और बाकी बचे 150 क्वेश्चंस वो जनरल एबिलिटी सब्जेक्ट से होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट मैथमेटिक्स और सेकेंड जनरल एबिलिटी। तो मैथमेटिक्स जो है वो 300 मार्क्स का होता है और जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स का होता है, ये हम पहले जान चुके हैं। अब जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड एलजेब्रा, थर्ड वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डिमेंशंस। तो अब हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी सब्जेक्ट में क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ग्रामर और उसकी यूसेज, वोकैबुलरी,
कॉम्प्रहेंशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी 400 मार्क्स का होता है। इसमें आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कई सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 400 मार्क्स का आता है जनरल एबिलिटी। तो अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है सैलरी। तो एनडीए के पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी रहती है, तो जो इसमें लेफ्टिनेंट होते हैं उनके लिए 56,100 से 1,07,175 पर मंथ सैलरी रहती है। कैप्टन की 63,300 से 1,93,900 पर मंथ सैलरी रहती है। मेजर की 69,400 से 2,07,200 पर मंथ रहती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की 1,21,200 से 2,12,400 पर मंथ सैलरी रहती है। कर्नल की 1,15,600 से 2,15,900 पर मंथ सैलरी रहती है। मेजर जनरल की 1,44,200 से 2,18,200 पर मंथ सैलरी पैकेज रहता है। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना कि एनडीए पोस्ट होता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एग्जाम पैटर्न, बहुत कुछ जाना कि क्या क्या होता है। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी कंफ्यूजन है कि सिलेबस क्या होता है, क्या टॉपिक, इन सब में कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सभी का आंसर दूंगी। और अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी और आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एडुटॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।